नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग 2022 में 1800 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनवाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें टोटल्स नंबर ऑफ कॉलम कितना लगेंगे और साथ साथ टोटल्स नंबर्स ऑफ कॉलम का एस्टिमेट और कॉस्टिंग क्या लगने वाला है मटेरियल के साथ में और लेबर के साथ में। तो बहुत इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो है, इस टाइप का वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को जल्दी ना मिलेगा, केवल मेरे ही चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए और जानिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अगर इसमें हम कॉलम का अगर बात कर ले साइज का, कॉलम को हम लोग पिलर भी बोलते हैं, तो 12 इंची बाय 12 इंची का आपको पिलर बनाना है G+2 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। G+2 के लिए आप 12 इंटू 12 इंच का मतलब कॉलम बना सकते हैं फुट में, यही आपका 1 फुट बाय 1 फुट हो जाएगा। दोस्तों अगर कॉलम का हाइट का अगर बात कर ले तो 10 फुट तो आपका फ्लोर हाइट हो गया कॉलम का, और 5 फुट इसका फुटिंग हो गया, जिसको फुटिंग का डेप्थ बोलते हैं। फाउंडेशन मान के चलिए 5 फुट फाउंडेशन हो गया, 10 फुट आपका फ्लोर हाइट हो गया, तो टोटल 15 फुट का आपका कॉलम बनेगा, ठीक है। अगर सरिया का अगर बात कर ले दोस्तों तो इसमें 6 नंबर्स ऑफ बार को यूज करना है, मतलब 6 सरिया यूज करना है, जिसमें आपका 4 जो सरिया रहेगा 16 mm का यूज करना है और 2 जो सरिया रहेगा 12 mm का यूज करना है। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात है, अगर आप लोग कॉलम को जो डिज़ाइन करवाएंगे 12 इंची बाय 12 इंची का, तो जो 16 mm का सरिया आपको 4 कॉर्नर पर प्रोवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, और 12 mm का आपको बीच में प्रोवाइड करना है 2 सरिया, और 4 हो गया 16 mm का सरिया। दोस्तों अगर हम इसमें स्टीरअप का जो बात कर ले रिंग्स, तो रिंग्स आपका 8 mm डाई ऑफ स्टील बार का बनाना है, इससे कम नहीं। और दोस्तों इसमें कंक्रीट का अगर बात कर ले तो कंक्रीट जो रेशियो बनाना है मिक्स रेशियो वो 20 ग्रेड का, और रेशियो जो आपका 1.5-3 का ही रेशियो यूज करना है। 1 बैग अगर सीमेंट लेंगे तो 1.5 बैग आपका सेंड लेना पड़ेगा, और 3 बैग आपका एग्रीगेट जिसको गिट्टी बोलते हैं, और सैंड को बालू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, कच बोलते हैं। तो 1 बैग सीमेंट में आपका 1.5 बैग बालू, 3 बैग गिट्टी, इसी के रेशियो से बनवाना, ये बेस्ट रेशियो है और सेफ रेशियो है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अगर पहला कॉलम में बात कर ले तो सीरियल नंबर, दूसरा में मटेरियल का नाम रहेगा, क्वान्टिटी रहेगा 1 कॉलम का, तीसरा कॉलम में, और चौथा में आपका रहेगा 20 कॉलम का क्वान्टिटी क्या रहेगा, और रेट पर जो आपका क्वांटिटी रहेगा उसका रेट क्या रहने वाला है 2022 में, और टोटल अमाउंट क्या है लास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों सीरियल नंबर 1 में, तो गीला कंक्रीट वॉल्यूम हमारा निकल के आया है 12 बाय 12 का इंच का अगर कॉलम बनाते हैं तो 0.425 मीटर क्यूब आपका 1 कॉलम के लिए कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आया है। तो 20 कॉलम के लिए हमारा नंबर्स ऑफ कॉलम आपको 1800 स्क्वायर फुट में 20 से 21 कॉलम लगता है, लेकिन इसमें 20 कॉलम लगभग लग गया है, तो आपका 20 कॉलम के लिए 8.5 मीटर क्यूब हो गया, 20 × 0.425, ठीक है, 20 कॉलम के लिए, या 1 कॉलम के लिए क्वांटिटी या 20 कॉलम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। रेट का अगर बात कर लीजिएगा दोस्तों तो आपका 4000 से 5000 रुपया पर मीटर क्यूब आपका कॉन्क्रीट बनल बनाएल मिलता है रेडीमिक्स, ठीक है, जो आप बैच जहाँ पे बनता है कॉन्क्रीट वहाँ से प्लांट से मंगवा सकते हैं, नहीं तो अपने से ही बना सकते हैं, बहुत आदमी खुद से ही बनाते हैं इंडिया में जनरली। और सीमेंट का अगर बात कर ले तो इसमें 1 कॉलम के लिए 4 बैग लगेंगे 12 बाय 12 का कॉलम रहेगा, तो 20 कॉलम के लिए आपका इसमें जो 20 कॉलम लगेगा 1800 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनाने के लिए, तो 1 कॉलम के लिए 4, तो 20 कॉलम के लिए 80 बैग, तो 400 से 450 रुपया पर बैग पड़ने वाला है, क्योंकि अभी रेट है ना अप्रैल में आपका बढ़ गया है, 1 सप्ताह पहले रेट बढ़ा था, तो सीमेंट का रेट अभी आपको 400 से 450 रुपये अल्ट्रा टेक एसीसी का लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया रेट, साउथ इंडिया और तरफ तो और भी ज़्यादा रेट बढ़ा है, 430-425 रुपये मिलता है, तो हम 430 रुपये 1 बैग का लिए हैं, तो 80 बैग का हमारा हो गया सीमेंट का रेट हो गया 430 रुपये के अकॉर्डिंग 34000 रुपया हो गया। दोस्तों 8.5 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट मंगाने के लिए आपका 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8.5 में, तो आपका निकल के आ जाएगा बनल बनाएल कॉन्क्रीट। तो बनल बनाएल में थोड़ा बहुत गड़बड़ाता भी होगा, थोड़ी देखने जाते हैं मशीन में क्या करता है, और खुद से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, यही थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन खुद से बनाइए। बालू का अगर बात कर लेंगे तो 1 कॉलम के लिए आपका 6.3 CFT लगेगा, तो 20 कॉलम के लिए हमारा 126 CFT लग जाएगा, ठीक है,
बालू का रेट दोस्तों 50 से 70 रुपया पर CFT पड़ता है, या अलग अलग लोकेशन एबिलिटी मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम 65 रुपया लेके चलें एक CFT का, तो 126 CFT का आपका 8,190 रुपया पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों अगर गिट्टी का अगर बात कर ले, जिसको एग्रीगेट बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, तो गिट्टी आपका 12.5 CFT लगेगा एक कॉलम के लिए, पर कॉलम क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, तो 20 कॉलम के लिए हमारा 250 CFT लगेगा और रेट आपका 50 से 70 रुपया पड़ता है पर CFT, तो हम 70 रुपया लेके चले एक CFT का, तो 250 CFT का आपका 17,500 रुपया पड़ने वाला। और यह रेट आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है, मार्केट पे एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों हम अगर स्टील का अगर बात कर ले, सरिया का अगर बात कर ले, तो एक कॉलम के लिए आपका 6 अगर सरिया यूज करेंगे 16 mm का, 12 mm का, तो 41 kg लगेगा एक कॉलम के लिए, तो 20 कॉलम के लिए आपका हो गया 820 kg आपका स्टील लगेगा। 1800 स्क्वायर फुट में घर का कॉलम बनवाने के लिए 20 कॉलम लगभग आने वाला है, तो 85 से 95 रुपया पर केजी पड़ता है अभी का रेट आपका अप्रैल का 2022 का। यह रेट आपका थोड़ा बहुत कम होगा बारिश के टाइम पे, तो अच्छा अगर स्टील लेंगे तो 90 रुपया पड़ेगा पर केजी, तो 120 केजी को 90 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह टोटल 73,800 रुपया स्टील के ऊपर खर्चा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ऑनलाइन कैसे स्टील का रेट चेक करें उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं हम, तो जाके चेक कीजिए, 3-4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से। अगर स्टीरअप का अगर बात कर ले, रिंग्स का अगर बात कर ले दोस्तों, तो यह आपका कॉलम के लिए 32 नंबर ऑफ रिंग्स लगेंगे, 31 से 32, तो एक कॉलम के लिए 32, तो 20 कॉलम के लिए 640 रिंग्स लगेंगे। या तो आप मार्केट में बनल बनाए ला सकते हैं, या तो मंगवा सकते हैं, या तो खुद बना सकते हैं, तो एक रिंग अगर बनल बनाए लेंगे तो 10 से 15 रुपया पड़ेगा, तो हम 12 रुपया लेके चले एक रिंग का कीमत, तो 640 रिंग का आपका 7,680 रुपया पड़ेगा 12 रुपया के अकॉर्डिंग। सेटरिंग का अगर बात कर ले, तो एक कॉलम में आपका 15 फुट हाइट रखते हैं, तो 60 स्क्वायर फुट आपका सेटरिंग करना पड़ता है, तो आपका दोस्तों 20 कॉलम के लिए 60, एक कॉलम के लिए स्क्वायर फुट है सेटरिंग का, तो 20 कॉलम के लिए 1200 स्क्वायर फुट आपका सेटरिंग होगा टोटल्स 20 कॉलम में, 20 पिलर में 15 से 20 रुपया पड़ता है एक स्क्वायर फुट का सेटरिंग का कॉस्ट। तो दोस्तों हम 18 रुपया लेके चले हैं एक कॉलम का सेटरिंग का कॉस्ट, तो 18 रुपया के अकॉर्डिंग 1200 स्क्वायर फुट सेटरिंग का 21,600 रुपया पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर ले लेबर रेट का, लेबर का जो चार्ज लगता है कॉन्ट्रेक्टिंग करने के लिए, वो मटेरियल का जितना भी खर्चा रहता है उसका 15% लगता है, तो मटेरियल का रेट आपका 1,41,170 रुपया मटेरियल के ऊपर टोटल खर्चा हुआ, जिसमें कि आपका मटेरियल में आ गया सीमेंट आ गया, सैंड आ गया, गिट्टी हो गया, स्टील हो गया, स्टीरअप हो गया, ठीक है, और बाकी आपका सेटरिंग और सेटरिंग का कॉस्ट इसमें मटेरियल्स में ऐड नहीं होगा। तो हम जो जो टिक मार दिए हैं, आपका ये हो गया मटेरियल्स, ये हो गया मटेरियल्स, ये हो गया मटेरियल्स, और ये हो गया आपका मटेरियल्स, और ये हो गया मटेरियल्स, जब इतना को आप ऐड करेंगे तो 1,41,170 रुपया होगा। इसका अगर 15% अगर कर देते हैं दोस्तों, तो यह 15% लेबर का रेट 21,175 रुपया पड़ने वाला है, और नहीं तो 2,000 से आपका 2,500 रुपया आपका पर मीटर क्यूब लेबर का रेट पड़ेगा, चार्ज पड़ेगा, तो आप 2100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे या 2500 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आसपास इतना होने वाला है, लेकिन 15% लगता है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब बात करें कि आपका 1800 स्क्वायर फुट एरिया में कॉलम बनवाने में कुल खर्चा कितना होगा, तो यह आपको 1,83,945 रुपया आपका कॉलम बनाने के ऊपर खर्चा होगा, ठीक है, 1,90,000 मान के चले, 1,90,000 तेल्स आयल्स वगैरह रहता है जो सेटरिंग में लगाना रहता है, और हिडन जो खर्चा रहता है जो आपको मालूम नहीं चलेगा, वो सब ऐड करने के बाद मान के चलिए आपका 1,90,000 रुपया केवल कॉलम बनवाने के लिए खर्चा होगा 1800 स्क्वायर फुट। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।